हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल विद अनीता। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें लंच या डिनर के इंटरवल में भूख लग जाती है तो हमारा मन करता है कुछ मीठा, चटपटा, नमकीन खाने का, और हम पेस्ट्री, चिप्स, पकौड़े, समोसे जैसी चीज़ें खाने लग जाते हैं। और आपको भी पता है कि ये कितने अनहेल्दी होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज, अनहेल्दी फैट्स, प्रिजर्वेटिव, शुगर और सॉल्ट होते हैं। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन डेली ऐसे स्नैक खाने से आपको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और अदर डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है सही स्नैकिंग के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेना, ताकि आपका वज़न नियंत्रित रह सके और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। आज मैं कुछ ऐसी ही नेचुरल हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हेल्दी ईटिंग के लिए बेस्ट हैं। ये आपको एनर्जी के साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई फाइबर, गुड क्वालिटी फैट, इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, और इसमें शुगर और सॉल्ट की मात्रा बहुत ही कम है। इन रेसिपीज़ को ट्राई करने से आपको स्वाद के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिपीज आपके टेस्ट बड को सेटिस्फाइड करेंगी। फ्रूट चाट हमेशा ही छोटी छोटी भूख के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका एक फुल बाउल खाने से कई तरह के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो मिक्स फ्रूट चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी पसंद के कई तरह के सीजनल फ्रूट्स आप इस रेसिपी में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स को क्यूब में काटें और थोड़ा सा चाट मसाला और हनी ऐड करें और इन्जॉय करें डिलीशियस फ्रूट चाट। होममेड ग्रेनोला, इसे हम ब्रेकफास्ट या स्नैक दोनों में यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स और अपनी पसंद के नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड ग्रेनोला आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, फूड कलर और प्रिजर्वेटिव ऐड रहते हैं जो हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि आप इसे घर में तैयार करें। मैं हमेशा ही इसे एक हफ्ते के लिए तैयार करके रख लेती हूँ, और जब भी मैं जल्दी में होती हूँ या मुझे कुछ बनाने का टाइम नहीं होता तो मैं इस होममेड ग्रेनोला को दूध, दही या हनी के साथ मिक्स करके खाना पसंद करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एनर्जी बाल्स, यह भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है नेचुरल स्नैकिंग का। एनर्जी बाल्स को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे ओट्स, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स और अपनी पसंद के नट्स और सीड्स मिला करके तैयार कर सकते हैं। नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और जब इन्हें ड्राई फ्रूट्स और ओट्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो इसमें कार्बोज, फाइबर्स और नेचुरल स्वीटनेस भी ऐड हो जाती है। ओट्स, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अलसी और सफ़ेद तिल को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लें। आप इसमें सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड और कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लें और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में कटे हुए खजूर डालें, साथ में रोस्टेड मूंगफली, नट्स और सीड्स डालें और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड होने के बाद अब इसमें ओट्स डालें और ऊपर से 2 टेबलस्पून हनी डालें। हनी डालने से एनर्जी बाल्स अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस भी ऐड हो जाएगी। इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लें और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। दालचीनी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब छोटे छोटे एनर्जी बॉल्स बना करके रेडी कर लें। इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये एनर्जी बॉल एक सुपर फूड की तरह काम करता है। जब भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स हो तो एक एनर्जी बॉल काफ़ी है। इन एनर्जी बॉल्स को आप एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। ग्रीन स्प्राउट्स चाट, ये मेरी फेवरेट रेसिपी है।
एक ग्लास पानी में हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल करके पानी को बॉयल करें। अब इसमें एक कप ग्रीन स्प्राउट्स डाल दें और इसे 5 मिनट तक बॉयल होने दें। इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ड्रेन कर लें। अब एक बाउल में ग्रीन स्प्राउट्स लेकर के उसमें आप अपनी पसंद के कटे हुए वेजिटेबल्स ऐड करें। ग्रीन ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन का रिच सोर्स है और इसे स्प्राउट्स कर देने से इसमें विटामिन सी का कंटेंट बढ़ जाता है। कलरफुल वेजिटेबल्स इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स को ऐड करती हैं। इसमें काला नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालें। ये स्पाइसेस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। नींबू का रस मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। लीजिए, तैयार हो गया आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स दोनों के तौर पे लिया जा सकता है। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप इसे जरूर ट्राई करें। मखाना मंच, जब कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो मखाना मंच बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक पैन में 1 टीस्पून बटर या घी डालकर मेल्ट करें। अब उसमें 1/2 कप पीनट्स डालकर रोस्ट करें। पीनट्स प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसमें हम रोस्टेड चिकपी डालेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही हम इसमें 1 कप मखाने डालकर अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। मखाने, मूंगफली और चने का ये कॉम्बिनेशन हमें कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम और आयरन प्रोवाइड करता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें सॉल्ट, काली मिर्च, मिंट पाउडर और चाट मसाला डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हर्ब्स और स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करें, जब तक कि मखाने अच्छी तरह से क्रंची ना हो जाएं। इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट ग्लास कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें और जब भी छोटी छोटी भूख सताए इसे एंजॉय करें। कुकुम्बर स्टिक्स विथ योगर्ट डिप। योगर्ट डिप बनाने के लिए 1/2 कप लो फैट योगर्ट लें। इसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर, मिंट पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। लो फैट डिप रेडी है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि इसे आप अगर मिड मॉर्निंग में खा लेंगे तो आप लंच में कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे, जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेमन भेल, हल्के फुल्के स्नैक्स के लिए आज की लास्ट रेसिपी है लेमन भेल। पफ्ड राइस या मुरमुरा को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, जिससे वो अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। अब इसमें मूंगफली, कटे हुए प्याज, कटा हुआ कुकुम्बर और कटा हुआ टमाटर ऐड करें। आप कोई और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, सॉल्ट, चाट मसाला और लेमन जूस ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। इस लो कैलोरी स्नैक को आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं। आई होप आज की रेसिपीज आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।